नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। और जनता टीवी पर आज हम बात करेंगे सरकार की दाल की और कुछ काले की। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये सोचकर उसने अलविदा कह दिया हमें कि ये गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। लेकिन सियासत में मोहब्बत और बेवफाई और वफा के कुछ अलग ही अंदाज हुआ करते हैं। सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एक आखिरी इंसान तक सरकार की मदद पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब कुछ काला नजर आता है तो अमूमन लोग ये करते हैं कि दाल में से उस काले को निकाल देते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती है कि हम तो लीक से हटकर काम करते हैं, और इन्होंने लीक से हटकर ये काम किया कि उन्होंने पूरी दाल को ही खत्म कर दिया। अब दाल को खत्म किया और दाल के खत्म करने के बाद ये कुछ मिठास और तेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तेल बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे, एक रिपोर्ट देख लीजिए। पीडीएस के तहत गरीबों के लिए हरियाणा सरकार ने दाल रोटी योजना शुरू की थी, लेकिन अब दाल सरकार खुद ही नहीं पचा पा रही है। इसी के चलते सरकार ने दाल रोटी योजना पर यू टर्न लेकर गरीबों को चीनी और तेल देने का फैसला किया है। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कंठदेव कंबोज ने कहा कि सरकार ने दाल रोटी योजना को बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे बंद नहीं बल्कि संशोधन करके इसकी जगह पर चीनी और तेल देने का फैसला लिया गया है, जो 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि नई योजना का नाम जल्द फाइनल किया जाएगा। हमने दाल रोटी स्कीम जो है वो बंद नहीं की है, इसमें थोड़ा हमने चेंजिंग की है। जो भारत सरकार का एक उन्होंने कानून बनाया था NFSA 2013 में, उसके तहत भारत सरकार जो बेनिफिशरी हैं उनको गेहूं प्लस जो है ना चीनी जो है भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी। और ये जो दाल रोटी की स्कीम थी ये हरियाणा सरकार की थी। हरियाणा अपने बजट से जो है अपने बेनिफिशरी को दाल उपलब्ध कराता था। कंबोज ने नई योजना चीनी तेल शुरू करने का कारण दाल वितरण में अनियमितताओं को माना है। उन्होंने कहा कि दाल वितरण में कई बार अनेक तरह की खामियां सामने आ चुकी हैं। कंबोज ने कहा कि इससे पहले दाल वितरण में गड़बड़ी के चलते एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके मामला दर्ज किया गया और उसकी सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली है। लेकिन दाल में कई प्रकार के जो है ना बीच में इस प्रकार के आरोप भी लगते रहे कि घटिया दाल आ गई, कहीं सप्लायर ने उसमें जो है ना जो सैंपल उन्होंने दिए थे और उसके एवज में उन्होंने घटिया दाल सप्लाई करने का भी बीच में काम किया, तो ऐसी कंपनियों को हमने जो है ना ब्लैक लिस्ट भी किया, उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट की है। इसके अलावा कंबोज ये भी मानते हैं कि दाल वितरण में कई तरह की दिक्कतें थी। उन्होंने कहा कि दाल के लिए टेंडर एक साल में एक बार दिया जाता था और रेट ऊपर नीचे होने की वजह से भी समस्या रहती थी। उन्होंने कहा कि दाल वितरण कंपनियों की कई बार शिकायतें मिलती थी। इसमें कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। एक तो दाल के रेट जो है ना मार्केट में अप डाउन होते रहते थे। जो टेंडर होते थे, टेंडर तो एक बार हो गए वो पूरा साल चलना, और इसमें जो रेट अप डाउन होते थे इसकी भी समस्या हमारे सामने आती थी। और समय पर दाल सप्लाई ना होने के कारण कई बार जो है इस प्रकार के इशू भी आते थे कि दाल नहीं बटी, और कहीं के महीने की इकट्ठी जब बटती थी तो बेनिफिशियरी भी कई बार उसको लेकर के बाजार में मार्केट में बेचते थे, तो ये भी इशू इस प्रकार के आते थे। हरियाणा सरकार की पीडीएस के तहत गरीब परिवारों को दाल देने की योजना थी, जो अब चीनी और तेल में बदल गई है। हालांकि दाल रोटी का बंद होना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार ने दाल रोटी योजना केवल इसलिए बंद कर दी है क्योंकि इसके वितरण का काम ठीक नहीं हो पा रहा था और ये सरकार के लिए चुनौती बन गया था, या फिर इसमें कोई बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसके चलते सरकार ने योजना ही बंद करके मामला खत्म कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि दाल रोटी के बाद अब सरकार की गरीबों के लिए शुरू की गई चीनी और तेल योजना कितनी कारगर साबित होती है। पवन सिवर, जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से। तो सूबे में सरकार ने दाल रोटी योजना को बंद कर दिया है और योजना में कुछ खामियां, कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, इसका हवाला दिया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के एक फर्म को दाल सप्लाई का टेंडर दिया गया था और कंदीप कंबोज ये कह रहे थे कि एक साल में टेंडर दिया जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव होते हैं। और इससे पहले जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद घटिया दाल की सप्लाई को लेकर सरकार से कई सारे सवाल किए थे और फिर सरकार की तरफ से खबर के साथ ये फैसला आता है
सरकार ने योजना बदलने का फैसला ही ले लिया। अमूमन यह होता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते हैं और जनता से कहते हैं कि आपके हर तरह के काम हम करेंगे, कैसी भी आपकी समस्या होगी उसमें हर वक्त काम में आएंगे, आप जब भी हमें पुकारेंगे आपकी मदद की जाएगी और आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होने दी जाएगी, हम खुद परेशान रह लेंगे, चाहे हमें सरकार किसी भी तरह से चलानी हो, लेकिन जनता को फायदा और जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश हमेशा रहेगी। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जब योजनाओं को बदल दिया जाता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बदलना ही और खत्म करना ही कुछ तरीका था, सही करने की कोई कोशिश क्यों नहीं होती। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं इस चर्चा में। ओमकार चौधरी साहब हैं, संपादक हैं दैनिक हरी भूमि हरियाणा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका ओमकार चौधरी साहब। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दलवीर धनखड़ साहब बैठे हुए हैं इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास चौधरी साहब मेरे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कृष्ण ढुल साहब नेता बीजेपी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमकार चौधरी साहब शुरुआत आपसे करता हूँ कि सरकारों के दावे और वादे होते हैं जनता को हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने के, और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई सरकार चलानी होती है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर जो दाल रोटी योजना में तब्दीली करने की बात आ रही है, इसको खत्म करने की बात आ रही है, तो क्या चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए या फिर कुछ और वजह नजर आती है? दो पक्ष हैं इस पूरे घटनाक्रम के। एक पक्ष तो ये है कि इस योजना को जारी रखा जा सकता था जी, कुछ जो गड़बड़ियां सामने आई हैं या जो वितरण में खामी आई है, क्वालिटी में कोई दोष अगर सामने आया है, और अगर आपके शब्दों में कहूं तो कहीं किसी स्तर पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है जी, तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। जो भी दोषी हैं, जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी जी। और अगर मंत्री महोदय ये एक दलील दे रहे हैं कि साल भर के लिए टेंडर छोड़ा जाता था और कुछ दाम भी ऊपर नीचे होते थे, वो भी एक समस्या थी, तो टेंडर में तो तमाम तरह की शर्तें होती हैं जी। जो टेंडर लेता है, जो सप्लाई करता है, अगर वो आपकी टेंडर की शर्तों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो आप टेंडर किसी भी समय रद्द करके दूसरे को दे सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि अगर वाकई सरकार को लगा कि इसमें गड़बड़ियां हो रही हैं और वो गड़बड़ियां ऐसी हैं जिनको तत्काल एड्रेस नहीं किया जा सकता है, या छोटे मोटे एक्शन लेकर के आप चीजों को नहीं सुधार सकते हैं, तो उसकी जगह एक दूसरा कदम उठाया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की एक संवेदनशीलता दिखाई देती है कि उसने एक चीज को बंद जरूर किया है लेकिन दूसरा ऑप्शन लोगों के सामने रख दिया है। और जो आपने बात कही है कि क्या सरकार प्रयास नहीं कर सकती थी क्या, तो कोई भी योजना हो जिसको आप लेकर के आते हैं और जिसे लेकर के लोगों की उम्मीदें जगती हैं, आपको पहला प्रयास तो यही करना चाहिए कि उसमें सुधार किया जाए। ठीक है सर, अगर सरकार ने सुधार करने की कोशिश नहीं की है तो मैं इसको माइनस। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा फिर आता हूं। कृष्ण ढुल साहब, यानी बंद कर देंगे, बदल देंगे, नाम बदल देंगे, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि पहले का कुछ काम अच्छा हो रहा है तो उसको खत्म कर दें। दाल आप अगर चीनी देने जा रहे हैं, तेल देने जा रहे हैं, तो दाल रोटी को क्यों बंद कर रहे हैं, दाल को क्यों बंद कर रहे हैं? दाल को जारी रखा जा सकता है। ओमकार जी को आपने सुना, उन्होंने सारी बातें कह दी कि तब्दीलियां जरूरी नहीं है कि कुछ खत्म करके ही हो। आपकी सरकार में है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, अगर कहीं पर कुछ गलत नजर आए तो उसको ठीक कीजिए। देखिए नासिर, निश्चित तौर पर आपने जो कही बातें वो सही है, और हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में जो से ये योजना चल रही है उसमें प्रयास ये किया कि इसको ठीक किया जाए, इसकी कंडीशन में बदलाव किया, क्वालिटी में चेंजेस किए, डीएनआईटी में बदलाव किए, लेकिन एक इसमें 2-3 पहलू जुड़े हुए थे। एक इस बात का कि जब भी कोई टेंडर होता है तो पूरे साल के लिए होता है, दूसरा फाइलें कई तरह से मूव करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कई बार बजट नहीं होता
और तीसरी कई बार क्या होता है कि सप्लाई डिले के कारण कई कई महीने के बाद कमाल है टेंडर, ये सारी चीजें आपके हाथ की हैं। तो इस गुल साहब आपके हाथ की हैं सारी चीजें, और ये आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोशिश की गई है सही करने की, यानी इसका मतलब आपने हार मान ली, नहीं हो पाई आप पर सही। सुनिए तो सही जी, कहिए। सुनिए नासिर, सुनिए नासिर जी, मेरा अनुरोध आपसे कि सुनिए जी। अभी तक हम इस पक्ष पे खड़े थे तो आपके माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से हम पर आरोप लगे इस बात के कि हमारे यहाँ धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको पारदर्शिता लाने के लिए अब हमने हैफेड विभाग, हैफेड से जो कि सरकार का विभाग है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जिनके शुगर मिल चलते हैं उनसे चीनी, और उनसे अगर हम लोग तेल सप्लाई करेंगे तो उस आदमी को जिसको दाल के बारे में शिकायत रहती थी, क्वालिटी के बारे में शिकायत रहती थी, डिले के बारे में शिकायत रहती थी, मुझे नहीं लगता विपक्ष के आरोपों से बचने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक 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 बात, एक मतलब आपकी बातों का ये भी है। हाँ, पारदर्शिता, ठीक है, यानी विपक्ष आरोप लगाता है और आपने कि देखिए हम तो ऐसा करते हैं जी। धनखड़ साहब जी, सर कुरैशी जी, इस भारतवर्ष में बड़ी विडंबना है, राष्ट्रीय पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी अब हो गई। मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा, ढुल साहब बैठे, योजना अच्छी थी, मैं वहीं आ रहा हूं सर। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कोई भी देश में ये नहीं कहेगा रोटी और चीनी खाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा तेल और रोटी खाएंगे, ये जरूर कहेंगे दाल रोटी सबको चाहिए। मैं तो इस बात पर पहले लूंगा। जहां तक ढुल साहब ने जो बातें की टेंडर की बातें, क्या सिखा रहे हैं लोगों को, क्या बताना चाह रहे हैं? बैंक गारंटी होती टेंडर में, अगर रेट अप डाउन भी हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कमाल है, मुख्यमंत्री अगर जो इनके कंबोज जी को सुन रहे हो तो मैं तो होता था इस जगह तो बर्खास्त कर देता उनको, जो जो उन्होंने बयान दिए हैं। क्या बयान दे रहे हैं वो? हम क्वालिटी चोरी हो रही है, बाजार में सस्ती बिक रही है, हम दे नहीं पा रहे, चोरी हो, मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं वो? मंत्री आप हो, सरकार आपकी है, चोरी रोकना आपका काम है, क्वालिटी देना आपका काम है, और टेंडर वाला भाग जाता है तो बैंक गारंटी होती है उसकी, कैसी कैसी बातें करे? टेंडर सारे एक साल के ही होते हैं, जिंदगी भर के कोई टेंडर नहीं होते, सेकंड कंपनी भी होती है, बैंक गारंटी भी होती है, कैसे कैसे बिलू ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल धोखा है, धोखा ये, दाल का रेट घटता बढ़ता रहता है, इसमें इन्होंने बड़ी भारी दिक्कत इस बात की। क्या दिक्कत वो बताइएगा, ब्रेक के बाद एक आम आदमी को चाहिए, ब्रेक के बाद बताइएगा कि किस तरह के आरोप थे। विकास चौधरी जी आपके पास भी ब्रेक के बाद आता हूं जल्द से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दाल रोटी पर बात हो रही थी, दाल रोटी में कुछ काला और कितना काला और क्या पूरी दाल काली है। अक्सर हम जब बात करते हैं लोगों से आपस में कि भाई कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है कि बस चल रही है दाल रोटी, लेकिन अब धनखड़ जी ने कहा कि अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि चल रही है तेल रोटी और चीनी रोटी। विकास चौधरी साहब, आपके वक्त में शुरू हुई थी, आपने भी दाल बाटी और सारी चीज़ें हैं, फिर बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार का ये कहना है, अभी आप सुन भी रहे थे ढुल साहब को, कि देखिए कुछ अनियमितताओं की बातें आ रही थी, हम पारदर्शिता के साथ काम करने वाले हैं, इसलिए कोई सवाल खड़े ना हो इसलिए हम फिर योजना बंद कर देते हैं, इस तरह की उनकी बातों से ये चीज़ें निकल कर सामने आई। नासिर जी, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं जब से भाजपा सरकार आई है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों के विरोध में रही है हमेशा से, किसान और गरीब विरोधी सरकार है। आप देखिए कितनी निर्लज्जता से इनके मंत्री कह देते हैं कि धांधली पाई जा रही थी इसलिए हमने दाल ही बंद कर दी। अरे जनाब, दाल 100 रुपये किलो है, हर महीने 2.5 किलो दाल मिलती थी 50 रुपये में। आप बताइए, एक गरीब आदमी जो 50 रुपये में 2.5 किलो दाल लेकर के अपना गुजारा करता था, उस तेल का क्या करेगा वो? तेल में क्या इनके जुमले तलेगा? आप बताइए, चीनी की ये बात कर रहे हैं, चीनी तो पहले ही 13.5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है 2013 की योजना के तहत में, हमारी सरकार के टाइम पे 2 किलो मिलती थी, इनकी सरकार इन्होंने घटा करके 1 किलो कर दी, अब ये दोबारा उसको बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने नया क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, दाल की ये कह रहे हैं कि अनियमितता ही पाई जाती थी, घोटाले पाए जाते थे, तो हम तो ये बात शुरू से कहते आ रहे हैं, आज इनके मंत्री ने मान ली कि मनोहर सरकार जो है वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है, उनको गवर्नेंस का तरीका ही नहीं आता, हम तो बार बार कह रहे हैं, इसी कारण से हरियाणा 3 बार जल गया, और आज इस योजना को उन्होंने खारिज करके साबित कर दिया कि ये गवर्नेंस करने में इनकी सरकार पूरी तरह फेल है। अरे अगर हमने आरोप लगाया भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उस भ्रष्टाचार को रोकिए ना, आपकी सरकार तो कड़े फैसले लेने वाली है, जिसने नोटबंदी में 150 लोगों को देश के मार दिया, तो क्या दिक्कत थी आपको? आप कड़े फैसले लेते, अगर कोई आपको लगता है कि दिल्ली का फैसला लिया तो उन्होंने कड़ा फैसला लिया तो गरीबों के विरुद्ध लिया ना, हम यही तो कह रहे हैं कि गरीब विरोधी सरकार है। अरे जनाब, तेल का कोई क्या करेगा? आप बताइए ना मुझे, अगर वो योजना चलाते तो फिर आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। हम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो एक जो सरकार होती है वो जनहित
कार्य नीतियों बनाने के लिए होती है, वो जनता की सरकार होती है। जनता के लिए अगर घाटा भी उठाना पड़े तो भी सरकार को जनता की भलाई के लिए घाटे भी उठाने पड़े हैं, और पूर्व की कई सरकारों में उदाहरण पेश हुए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर उस सरकार में रेट अप डाउन हो रहे थे और घाटा हो रहा था फर्म को, तो आप ऐसी कोई नीति लाइए, कोई फंड मैनेज करिए? आप ये कैसे एकदम कह सकते हैं कि रात, वही तो बात है, तुगलक ही फरमान है इनके, तो एकदम इन्होंने खारिज कर दिया दाल बंद आज से। आप बताइए, जो गरीब आदमी इतनी महंगाई में दाल के भरोसे बैठा हुआ था, वो उस तेल का क्या करेगा? ठीक है धनखड़ जी, बहुत संक्षेप में कुछ बाकी रह गया था आपका, कह दीजिए, फिर ढुल साहब के पास भी जाना, फिर ब्रेक भी लेना है, फिर ओमकार जी के पास जाना है। जी सर, कुरैशी जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, ओमकार चौधरी जी ने दोनों बातों के बता दिया, क्लियर बता दिया उन्होंने, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। एक सरकार की बातें होती, डिस्ट्रीब्यूशन की बातें होती, एक मतलब टेंडर की बातें आई ना, उसमें तो एकदम अचंभा वाली बातें हैं। टेंडर की आप कैसे सहारा ले सकते हो? दूसरा, मंत्री जी ने जो कहा, मैं ढोल साहब की बात नहीं कर रहा, मंत्री जी ने जो शब्द कहे वहां पर सोच के देखो, उन्होंने क्या कहा, अपनी सरकार पर खुद आरोप लगा लिया उन्होंने। उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा था, क्वालिटी ठीक नहीं आ रही थी, बाजार में दाल बिक रही थी, भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। अरे जब आपका टेंडर हो गया साल भर का, भाव ऊपर कैसे हो गए? खदान जहां खाने थी वो फर्स्ट पार्टी छोड़कर बाकी थी, सेकंड पार्टी की उन्होंने दे दिया दादरी में, सरकी दादरी में, भूले नहीं होंगे जवाब। भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो उसको खत्म करने की कोशिश होगी या फिर योजनाएं खत्म कर दी जाएंगी? जी नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए विकास जी ने ये कहा कि हमारी सरकार के समय से चल रही थी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और उनकी सरकार के समय के ही सारे ठेकेदारों की मोनोपोली बना रखी है, और उनके समय में जो ठेकेदार आ रहे थे वही लगातार कंटिन्यू करते हुए, और जो आपको पता है जमाखोरों की पार्टी, कांग्रेस पार्टी जमाखोरों की पार्टी है। और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, पूरे साल के लिए जो टेंडर की बात दलबीर जी ने कही, टेंडर तो पूरे साल का ही मिलता है, और सेकंड वन भी जब भाग जाता है तो थर्ड वन को देना पड़ता है। मैं मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ रहा है, उसके बाद आपका जवाब, कि ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार से ठेकेदार चले आ रहे थे तो क्या करना चाहिए, आप भी सोचिए, जो लोग देख रहे हैं वो भी सोचें कि फिर होना क्या चाहिए, योजना बंद होनी चाहिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं, जल्द बहुत सारे सवाल हैं अभी।